हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस एक नए वीडियो में। आज हमने इस अपने वीडियो का टाइटल रखा है, अपने एटीएम कार्ड को जाने। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका एटीएम कार्ड है उसके डिफरेंट क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, किस तरह से उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, तो ये सब भी आपको जानना चाहिए। फ्रेंड्स, एक ये इमेज है, वो एक सिंपल जो एटीएम कार्ड है उसकी है। सबसे पहले बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस की। उसमें हम लेंगे इसकी जो इस पर्टिकुलर साइड से इसकी लेंथ है वो रहेगी आपकी 53.98 मिलीमीटर, और जो इसकी इस साइड की लेंथ है वो होगी आपकी 85.6 मिलीमीटर। ये एज पर आईसो ओब्लिक आईईसी 7810 के अकॉर्डिंग है। ये पूरी स्टैंडर्ड है, जितने भी वर्ल्ड में एटीएम होते हैं पूरे वर्ल्ड में उन सब के लिए स्टैंडर्ड ये इसकी माप होती है। जो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होती है। साथ ही साथ जो इसके कॉर्नर होते हैं वो राउंडिश टाइप में होते हैं, जिनकी रेडियस होती है आपकी 2.88 से ये लेकर होती है आपकी 3.48 मिलीमीटर। जो इनकी गोलाई होती है वो रेडियस में होती है, तो रेडियस की माप हमने आपको बता दी 2.88 टू 3.48 मिलीमीटर। अब आती है इसकी थिकनेस। थिकनेस भी इसकी बिल्कुल स्टैंडर्ड होती है। जो इसकी थिकनेस होती है एटीएम की वो होती है आपकी 0.76 मिलीमीटर, रफली अगर कहें तो 3/4 ऑफ अ सेंटीमीटर। ये तो हमने की इसके स्पेसिफिकेशंस की बात। अब सबसे पहले आता है इसमें जो पहला इसका फीचर है वो है बैंक का नाम। तो इस पर्टिकुलर जगह जनरली बैंक का नाम लिखा होता है जो बैंक इस एटीएम कार्ड को इशू करता है। नंबर दो होता है आपका चिप कार्ड। जो चिप होती है जो अभी लेटेस्ट है, आरबीआई ने अभी सभी मैंडेटरी कर दिया सभी बैंकों को कि उनको अब फिलहाल चिप बेस्ड कार्ड ही इशू करना है। और जो ये चिप होती है इसमें भी कुछ जो कार्ड है उसकी जानकारी होती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो इसकी क्लोनिंग है, इसी तरह की दूसरी कॉपी बनाना जैसे एटीएम की, वो डिफ़िकल्ट होता है। तो उस केस में जो भी आज की डेट में बैंक एटीएम कार्ड इशू करते हैं वो चिप बेस्ड एटीएम कार्ड ही होते हैं, जिससे कि उसमें एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर ऐड हो जाता है। अगला फीचर है आपका इसका जो कंपनी है एटीएम कार्ड इशू करने वाली, उसका यहाँ पे होलोग्राम होता है। ये उसका होलोग्राम होता है या ये बैंक का भी होलोग्राम हो सकता है। फिर है फोर्थ फिगर, ये होता है कार्ड नंबर। ये 16 डिजिट का होता है जो कि चार चार के पेयर में लिखी होती हैं, जिससे कि इसको पढ़ने में आसानी हो। इस तरह से जो एटीएम कार्ड है उसका नंबर आपका होता है। अगले फीचर की बात करें तो इसमें जो कंपनी एटीएम कार्ड इशू करती है, ये जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कराती है कंपनी, उसका यहाँ पे लोगो बना होता है और नाम भी लिखा होता है। इसमें आपका वीजा हो सकता है, मास्टर हो सकता है, जो अपने बैंक अपने देश का इंडिजिनस कार्ड प्रोडक्ट है वो रुपए हो सकता है या डीसीबी हो सकता है। इस तरह से जो भी कंपनी इसको इशू करती है कार्ड को ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, उसका यहाँ पे लोगो और नाम लिखा होता है। फिर अगला इसका फीचर जो है वो है इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी। ये एटीएम किस डेट को एक्सपायर होगा वो यहाँ पे दी होती है। इसमें एमएम बाई बाई के फॉर्मेट में होती है। अगर इस पर्टिकुलर एटीएम की बात करें तो ये 1 जनवरी 1999 को एक्सपायर हो गया होगा।
है जो अगला इसका पार्ट है वो है कार्ड होल्डर नाम। जो कार्ड होल्डर होता है उसका यहाँ पे नाम लिखा होता है ये पर्टिकुलर स्पेस में। ये तो हुआ जो फ्रंट साइड एटीएम की है उसका स्पेसिफिकेशन, उसके फीचर्स। अब हम बात करेंगे जो इसका एटीएम का बैक साइड होता है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। एक फीचर और बाकी है वो होता है आपका ये पर्टिकुलर प्लेस पे जो आजकल नए एटीएम कार्ड आए हैं जो कि कॉन्टेक्ट लेस हैं, उनको कॉन्टेक्ट लेस कार्ड बोलते हैं। ये भी आजकल जो बैंक से वो इशू करते हैं, जो इसमें ये एक तरह से देखा जाए तो RFID होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और जो ये POS है उस पर ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के दम पे कार्य करता है। इसमें क्या होता है जो पर्टिकुलर कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो POS के पास चली जाती है। POS जो मशीन है इसके लिए ज़रूरी है वो भी NFC कार्ड इनेबल्ड मशीन होनी चाहिए। इस कार्ड को उस मशीन के पास में आपको 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है, जो ये लोगो बना होता है जहाँ मशीन पे, तो उससे जो भी ट्रांजेक्शन है वो भी हो जाता है। फिलहाल RBI ने इस तरह के ट्रांजेक्शन की जो लिमिट रखी है पर कार्ड वो 2000 रुपीज़ है। इस तरह से 2000 तक का पेमेंट आप विदाउट एनी पिन एंट्री के कर सकते हैं। इस तरह के कार्ड भी आजकल काफ़ी इशू हो रहे हैं, उनको कॉन्टेक्ट लेस कार्ड हम बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं जो ATM कार्ड का बैक साइड होता है उसकी। जनरली इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो बैंक का टोल फ्री नंबर होता है हॉटलिस्टिंग के लिए वो लिखा होता है, और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है वो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। इसमें जो भी कार्ड की डिटेल है, कार्ड की जानकारी है, वो सब लिखी होती है मैग्नेटिक फॉर्म में। जब इसको हम ATM कार्ड में डालते हैं तो जो मैग्नेटिक रीडर है वो इस जानकारी को रीड कर लेता है और पर्टिकुलर कार्ड को ऑथेंटिकेट करता है। और ये जो पर्टिकुलर पैनल होता है इसमें होता है आपका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये होता है आपका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जो कि 3 डिजिटल कोड होता है। इसका मतलब होता है कि जो ये कार्ड है आपके हाथ में है या जो आपका मर्चेंट है उसके हाथ में है। इस तरह से इसका प्रूफ होता है कि जो कार्ड है वो फिजिकली आपके हाथ में है, और ये जनरली आप ही को पता होता है। काफ़ी बैंक ये एडवाइस करते हैं कि इस जो कोड को आपको याद कर लेना चाहिए, इसको मिटा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड होता है किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए। और जब ये पर्टिकुलर सेक्शन होता है यहाँ पे जो कार्ड होल्डर है उसको अपना साइन करना चाहिए जी। कल के दिन अगर किसी ATM मशीन में आपका कार्ड फंस जाता है, और एक ही कंपनी के 2 कार्ड फंस जाते हैं जिसमें नाम भी ना लिखा हो शायद, जो रेडी किट इशू होती है, तो उस केस में क्या है इस पर्टिकुलर साइन से आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। और साथ ही साथ जो कार्ड पर अगर आप साइन करते हैं तो जो आपका मर्चेंट है वो आपका साइन स्लिप पर रहता है, जो कि स्लिप निकलती है ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद, तो वो भी उस साइन को इससे मैच कर सकता है। ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जनरली लोग इस पर साइन करते नहीं हैं, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस से उसमें आपको साइन करना चाहिए। बाकी जो अदर इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे लिखी होती है कि अगर ये कार्ड आपको खोया मिले तो आपको बैंक के किस एड्रेस पे देना है, बाकी इन्फॉर्मेशन भी लिखी होती है। अगर इंडिया की बात करें तो एज अ होल इंडिया में कितने कार्ड ATM कार्ड इशू हुए हैं, तो अगर बात करें एज पर डाटा ऑफ RBI एज ऑन अप्रैल 2018, तो भी जो टोटल कार्ड है इंडिया में वो 94.3 करोड़ हैं, जिसमें से 90.6 करोड़ जो कार्ड हैं वो ATM कार्ड हैं, और जो रेस्ट हैं 3.70 करोड़ वो क्रेडिट कार्ड हैं। और सबसे ज़्यादा अगर किसी बैंक ने कार्ड इशू किए हैं तो वो है ICICI, उसके बाद है आपका SBI, और उसके बाद है आपका HDFC। तो
इस तरह से जो कार्ड का डाटा है अपने इंडिया में 94 करोड़, देखा जाए तो ये नंबर काफ़ी है। और जो डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद तो इसकी संख्या काफ़ी बढ़ रही है। इस तरह से काफ़ी बड़े अमाउंट में देखा जाए तो इंडिया में कार्ड इशू हुए हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें और हमारे साथ ही साथ हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करें।